जब अक्रूर जी ब्रज में आए क्रूरता करने के लिए, अक्रूर जी क्रूरता करने के लिए आए और कृष्ण बलराम को ब्रज से ले जाना चाहते थे। मान लीजिए जैसे कोई यहां पर आ जाए और आपके कृष्ण बलराम को ले जाने की बात करता, आप लोगों की क्या हालत हो जाएगी? जी हाँ, जो यहाँ पर कृष्ण बलराम को सालन से वर्ष बहुत सारे समय से सेवा कर रहे हैं, सुबह सुबह शाम कृष्ण बलराम को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए सारे कार्य किए जाते हैं। यदि कोई अचानक से आ जाए, कोई अक्रूर आ जाए और आपके कृष्ण बलराम को बोले चलो भैया अभी इनको शिफ्ट करना है, आपके साथ अभी नहीं रहेंगे, तो आप लोगों की कुछ क्या दशा हो जाएगी बताइए? ये तो बस उदाहरण दे रहा हूँ। जब अक्रूर जी क्रूरता करने के लिए आए, कौन सी क्रूरता करने के लिए आए? कृष्ण, श्री कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए थे मथुरा। तो उस समय गोपियों के हृदय में विरह की विचार करके कृष्ण बलराम जा रहे हैं, ये विचार कर ही उनके हालत खराब हो रही थी कि वो हम कैसे जिएंगे। आप लोग विचार कीजिए, कृष्ण बलराम यहां चले जाएंगे तो कैसे जिएंगे? सुबह मंगल आरती में कृष्ण बलराम नहीं दिखेंगे तो क्या दशा हो जाएगी? जीवन की दिशा बदल जाएगी। हाँ, तो गोपियों की यही स्थिति थी। और जब अक्रूर जी रथ लेकर निकले, गाड़ी रथ स्टार्ट कर दिया, तब सारे गोपियों ने अपने आप को रथ के आगे डाल दिया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी एक क्रूरता तो कर ही रहे, तो कृष्ण बलराम को ले जा रहे हो, दूसरी क्रूरता कर ही दो, हमारे ऊपर से ले जाओ, मर जाएंगे और क्या, सबसे बड़ा क्रूरता का काम तुम कर ही रहे हो, कृष्ण बलराम को ले जा रहे हो तो ये काम भी कर दो, इनके बिना जीना क्या, चढ़ा दो सबके ऊपर, चढ़ा चढ़ा के ले जाओ, मर जाएंगे क्या। लेकिन भगवान उनको सांत्वना दे, बातचीत कर रहे थे, कंसोल करने का प्रयास कर रहे थे, इधर उधर भटका रहे थे, विषयांतर कर रहे थे बहुत सारे। अरे मैं मथुरा पास में ही तो है, कौन सा दूर जा, कौन सा दूर मथुरा है, यही तो है पास में, मथुरा और वृंदावन में कोई कितना अंतर है बताइए, 12 किलोमीटर का अंतर है। तो ही भगवान समझा रहे थे कितना दूर है, थोड़ी में शिफ्ट हो रहा हूं, वहां पर सामान कहां ले जा रहा हूं, सामान तो सारा यही है, सब कुछ यही है, मैं तो बस कुछ समय के लिए जा रहा हूं।